बेसिकली ये जब कहानी अजय मेरे पास लेके आए, सलीम साहब हमारे राइटर साहब, उन्होंने कहा कि इस तरह से है कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक इतना हैवी वेट वाला इंसान है और उसका जुड़वा भाई जो इस तरह है, ये मेरा जुड़वा भाई है, एकदम एंग्री पुलिस वाला। तो बोला ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री में एक ही आदमी ऐसा है जो ऐसा है और एक ही है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। अजय ने मुझे बताया कि इस तरह से है और इसमें बहुत सारे कॉमेडी पंचेस है, जैसे कि मैं फिल्म में खाता बहुत हूँ, जो कैरेक्टर है कन्हैया जी लाला जी, वो नेगेटिव रोल है उस फिल्म में, और उनके हिसाब से हमने मतलब पूरा प्लान किया कि लाला तेरे बहुत नाटक और वो सब जो गाने में कॉन्सेप्ट है धोती खुल जाए वो सब, तो वो कॉन्सेप्ट वही था कि कोई नया गाना करे, क्योंकि आज म्यूजिक बहुत ही मायने देता है फिल्म में, और एक हिप हॉप का ट्रैक बनाया हम लोगों ने, जैसे पहले हम लोग निक सर हम लोग बैठ के गुनगुनाते गैंगस्टर रैप तो वहाँ से गाना बना। पहली बात तो मैं कह दूँ मैं लीड रोल में नहीं हूँ, लीड रोल में मनिंदर है और नुपुर है और अपने हनीफ है, मैं इसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ, कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरा भाई है इसमें, मेरे साथ कोई हीरोइन नहीं है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, भैया ने कह दिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं बहुत ही सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ, मेरा भाई है, मैं भाई को ढूंढने आया है ब्रो के अंदर, पूरी वही कहानी है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला पहली बार तो कि कब मूवी शुरू हुई और कब खत्म हो गई। मैं हर दिन फोन करके बोलती थी जब इनकी शूटिंग चल रही होती थी हीरो की, जब हनीफ की शूटिंग चल रही होती थी, जब मास्टर जी की शूटिंग चल रही होती थी, मैं फोन करके पूछती मैं भी आ जाऊं, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे। एबीसीडी में कैमियो किया हूं मैंने छोटा सा, क्योंकि इसलिए फिल्म करनी थी मुझे, और मैं बेसिकली एक्टिंग ज्यादा नहीं करना चाहता, बता रहा हूं मैं बहुत ही सिलेक्टेड काम करना चाहता हूँ, जो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट अच्छी मिली तो डेफिनेटली करूँगा। चीप आदमी देखकर लंबे लंबे चले Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.